कटिहार जिला अंतर्गत कोढ़ा प्रखंड के मूसापुर चौक पर युवा कांग्रेस के सदस्यों द्वारा JEE NET परीक्षा को लेकर कोरोना काल में कराने को लेकर सरकार के नीति के खिलाफ और छात्रों के साथ होने वाली परेशानी को देखते हुए परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने की मांग करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। एग्जाम नहीं होना चाहिए, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रखंड युवा कांग्रेस जिला महासचिव मोहम्मद इश्तियाक और संगठन के सभी युवा सदस्यों ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पुतला भी दहन किया और साथ ही नारा लगाते हुए परीक्षा को रद्द करने की मांग की। उनका कहना है कि इसमें अध्यक्षता में हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं जो कि नेट और नीट और JEE का जो एग्जाम ले रहे हैं और यह सरासर गलत है, जो कि कोरोना महामारी हो रहा है इसमें अगर हमारे स्टूडेंट बच्चा कैसे जाएंगे। और उसके बाद ये विरोधी ये सरकार कुछ समझ नहीं रहे हैं और सिर्फ उल्टा से उल्टा काम करेंगे और उसके बाद ये हमारे जो रोजगार देने का बात है उसमें कोई काम ही नहीं करेंगे। सिर्फ एग्जाम देने का जो काम कर रहे हैं ये लोग, देने का जो काम कर रहे हैं, जो कि अभी जाने का भी बोलिए पटना को ही जा सकेंगे, सवारी नहीं है, और किसी का नालंदा, किसी का पटना, किसी का दिल्ली, कहूँ मुंबई, और ऑफलाइन जो एग्जाम ले रहे कैसे देंगे एग्जाम, उससे महामारी नहीं फैलेगा। हम लोग इससे यही कहते हैं, सरकार से निवेदन करते हैं ये इसका एग्जाम को पोस्टपोन करे, उसके बाद आगे जब महामारी खत्म हो जाएगी उसके बाद ये एग्जाम फिर से ले। परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक आलम, जिला महासचिव युवा कांग्रेस। पे आज आप लोगों ने यहाँ जी हमारा मेन मुद्दा है JEE और नीट का एग्जाम, हम चाहते हैं कि ये रद्द किया जाए। अच्छा। क्योंकि अभी जो स्थिति है सुचारू रूप से यातायात की सुविधा नहीं है, गरीब बच्चे कैसे एग्जाम देने जाएंगे, और जहाँ तक कोरोना का पीक चल रहा है अभी हमारे देश में, तो बच्चों के और के स्वास्थ्य के साथ जो सरकार खिलवाड़ करना चाहती है हम उसके विरोध में आवाज़ उठा रहे हैं। पूरे भारत में यूथ कांग्रेस आवाज़ उठा रही है, उसी सिलसिले में कोढ़ा से हम लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं, इस विरोध प्रदर्शन में हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं। परिचय दीजिए अपना। जी मैं यूथ कांग्रेस कोढ़ा विधानसभा कार्यकारी अध्यक्ष यासिर अराफात उर्फ मासूम बोल रहा हूँ।